जय हिंद दोस्तों आज हम चैप्टर स्टार्ट जो करेंगे वो है मैगजीन्स बुक्स एंड देयर ऑथर्स और हमने लास्ट वीडियो uh, में देखा था कि इसमें 200 क्वेश्चंस थे तो कोशिश रहेगी कि हम चार पार्ट्स uh, में इसको कंप्लीट कर लें फिफ्टी क्वेश्चन ईच का पार्ट बना के सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज देखिए हिंद स्वराज जो बुक थी वो महात्मा um, गांधी जी की थी ठीक है एनी बीसेंट न्यू इंडिया एनी बीसेंट न्यू न्यू इंडिया एनी बीसेंट की थी उन्होंने दो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उनके जीवन के करियर में uh, वो थी कॉमनवील और न्यू इंडिया यंग इंडिया जो थी वो महात्मा गांधी जी की थी देन बाल गंगाधर तिलक कॉमन नहीं ये एनी बीसेंट की ही थी और महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम देखिए इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की थी ना कि महात्मा गांधी की ठीक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी एनी बीसेंट न्यू इंडिया नेक्स्ट द मेमरस एंड टाइटल बापू माई मदर वॉज रिटन बाय तो ये लिखा था मनुबेन ने द बुक इंडिया विन्स फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है हु हैज़ रिटन द बुक नेम गीता रहस्य देखिए गीता रहस्य लिखी थी लोकमान्य तिलक ने जब वो मांडले जेल में थे तो उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय तिलक इंडिया इन ट्रांजिशन गीता रहस्य गोखले माई पॉलिटिकल गुरु या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो गीता रहस्य लिखी थी उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज अ फेमस बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू भारत एक कोच श्रीमद भागवत गीता रहस्य वाज रिटन बाय अगेन बाल गंगाधर तिलक और बिंदो घोष रोट तो और घोष ने इसमें से कौन सी बुक लिखी थी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट मॉडरेट मूवमेंट केसरी या लाइफ डिवाइन तो देखिए लाइफ डिवाइन बुक लिखी थी उन्होंने औरबिंदो घोष जी ने औरबिंदो Ghosh in इस लेटर वन थे मातरम क्रिटिसाइज्ड द पार्टिशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905 जीरो फाइव ई रिजल्ट उनको जेल भेज दिया गया था 1908 में जहाँ पे उन्होंने स्पिरिचुअल टेक्स पढ़े 1910 के बाद ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लिया एंड ही स्टार्टेड लिविंग एट पांडिचेरी एज अ ग्रेट फिलोसफर स्कॉलर एंड राइटर उन्होंने बहुत सारे टेक्स लिखे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स जो उनके थे उसमें से था लाइफ डिवाइन द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी ऑन द गीता हु वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु रोट अबाउट फ्यूडलिज्म इन राजस्थान ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी तो नाइनटी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो काम किया अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं आपने कभी राजस्थान पी एस सी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी कर्नल जेम्स टोर्ड इनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थान की हिस्ट्री में इन्होंने बहुत काम किया है तो इन्होंने पह ये पहले हिस्टोरियन थे जिन्होंने लिखा था अबाउट द फ्यूडलिज्म इन हिज बुक एंड एनल्स एंड एंटिकटीज ऑफ राजस्थान ही रोट अबाउट फ्यूडलिज्म इन राजस्थान ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी नेक्स्ट द विध्वंसक विध्वंसक सॉरी द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचबल पीपल एज एट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश बाय ये पब्लिश किया था गोपाल बाबा वालंगर ने वालंग ने तो वाइटल विध्वंसक ये वॉज अ फर्स्ट पब्लिश बाय गोपाल बाबा वालंकर 1888 में ये हुआ था और ये पहला मंथली जर्नल था जिसमें टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस इसको लिखा गया था मराठी लैंग्वेज में सोशल अवेयरनेस लाने के लिए अमंग द अनटचेबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक दुर्गेश नंदिनी बनकिम चंद चैटर्जी सही है इंडिया विन्स फ्रीडम अब्बुल कलाम आज़ाद पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी ये सही है अनहैप्पी इंडिया जो है वो लिखा गया है लाला लाजपत राय जी के द्वारा आ, बाकी हमने देख लिया नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल देखिए दादा भाई नेहरू जी और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया

इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गादास जी ने लिखी थी फ्रीडम एट मिड जो है वो लैरी कोलन्स की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये लिखी थी रफीक जकारिया जी ने ठीक है नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है रफीक जकारिया जी इंडिया विन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद यंग इंडिया इज महात्मा गांधी न्यू इंडिया इज एनी बीसेंट रन एंड रुइ इज सुनील गवेस्कर सो टू वन थ्री फोर शुड बी द आंसर टू वन थ्री फोर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड एडिटर राइटर एंड न्यूज पेपर मैग्जीन अ बुक सो अरबिंदो घोष नॉट करेक्टली मैच्ड हमको बताना है अरबिंदो घोष वंदे मातरम ये सही है गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह लिखी नहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह नहीं लिखी थी uh, उन्होंने uh, उन गांधी जी उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और उन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हितवाद uh, सत्याग्रह के साथ वो एसोसिएटेड नहीं थे एनी बिसेंट e. की न्यू इंडिया थी महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया थी होमंग द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश सॉन्ग्स फ्राम प्रजेंट जो है आ, ये लिखा था ये एसोसिएटेड थे इसके साथ महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी सो सॉन्ग्स फ्राम बुक इज़ इज़ अ बुक ऑफ ट्रांसलेशन फ्राम संस्कृत थेम्स एंड लिरिक्स फ्राम द उपनिषद्स एंड अदर स्क्रिप्चर्स महात्मा गांधी जी ने ये ट्रांसलेशन किए थे जब वो यरवडा जेल में थे नाइनटीन थर्टी में लिस्ट मैच करनी है आपको लिस्ट वन विद लिस्ट टू बुक्स एंड राइटर्स द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन गीता रहस्य लाला ला पाल गंगाधर तिलक इंडिया विन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अ नेशन इन मेकिंग सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी हैं आई गेस एंड स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन इज लाला लाजपत राय येस गीता तरह से बाल गंगाधर तिलक नेशन इन मेकिंग सत्यन्द्र नाथ बैनर्जी एंड इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेक्स्ट इज लिस्ट वन विद लिस्ट टू समाचार दर्पण मिरातुल अखबार केसरी और यंग इंडिया यंग इंडिया देखिए महात्मा गांधी जी की है केसरी बाल गंगाधर तिलक जी की है um, समाचार दर्पण जो है वो जे सी मार्शमैन की है और मिरातुल अखबार जो है वो राजा राम मोहन रॉय का है वॉट वॉज द नेम ऑफ न्यूज पेपर पब्लिश बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया था इंडियन ओपिनियन टू फाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सिविल राइट फॉर द इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच राइटर एंड द बुक करेक्टली मैच आपको बताना है ठीक है वैलेंटीन शिरोल इंडियन स्ट्रगल देखिए वेलेंटीन शिरोल ने एक बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था रफ़ीक जकारिया जी ने लिखी थी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये सही है सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन अनरेस्ट नहीं लिखी थी इन्होंने इंडियन स्ट्रगल लिखी थी और वी डी सावरकर जी ने अनहैप्पी इंडिया नहीं लिखी थी अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी हुई थी ठीक है तो um, इसमें जो सही आंसर है करेक्टली मैच्ड है वो है रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वी टी सावरकर जी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिंदुत्व हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इंडियन अनरेस्ट के ऑथर थे वैलेंटीन शिरोल ठीक है सो वैलेंटीन शिरोल इज द ऑथर ऑफ इंडियन अनरेस्ट द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट उन्होंने बोला था बाल गंगाधर तिलक जी को एज ए रिजल्ट तिलक ने उनको डिफेमेशन के लिए सू कर दिया था लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ मैच करनी है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एम um, के गांधी सुभाष चंद्र बोस लाला लाजपत राय देखिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की है नेशन इन मेकिंग महात्मा गांधी जी की है इन स्वराज सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल एंड लाला लाजपत राय जी की है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स हु रोट द बुक अ नेशन इन मेकिंग सो अब तक याद हो जाना चाहिए आप लोगों को सुरेश सुरेंद्र नाथ बैनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज देखिए पहले हमने देखा महात्मा गांधी जी ने लिखी है तो यही गलत हो जाता है बाकी तीनों सही हैं देख लेते हैं मौलाना अब्बुल कलाम आजाद इंडिया विन्स फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल एंड लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया द बुक एन टाइटल्ड इंडियन स्ट्रगल ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने मैच द नेम्स मैंशन इन कॉलम वन विद कॉलम टू हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार आनंद मठ औरप्ट ऑफ जीसस एंड आर इंडियन मुसलमान्स ठीक तो देखिए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है वो लिखा गया है ताराचंद के द्वारा देन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये के के दत्त जी के द्वारा है अल्मा के ठिया के के दत्त देन आनंद मठ आनंद मठ इज़ रिटन बाय चंद्र चैटर्जी परसेप्ट ऑफ जीसस ये राजा राम मोहन रॉय की बुक है एंड आर इंडियन मुसलमान ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की बुक है ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड बी डी सावरकर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सही है आर सी मजूमदार सिपॉय म्यूटिनियन रिवोल्ट ऑफ 1857 सही है राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857 फिफ्टी सेवन टू एटीन तो ये जो लिखी है अवध इन रिवोल्ट ये लिखी है रुद्रांशु मुखर्जी ने ना कि राधा कमल मुखर्जी ने और एस बी चौधरी ने लिखी है सिविल रिबेलियंस इन इंडियन म्यूटी सेवन टू फिफ्टी नाइन नेक्स्ट इज एलान हक अल हिलाल तहजीब अखलाक युगान्तर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है सॉरी सही मैच है तो तहजीब अखलाक जो है वो सही मैच है सर सैयद अहमद ने लिखी है ये um, उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रमोट किए थे एक मैगजीन के द्वारा जिसका नाम था अखलाक सिविलाइजेशन एंड मोरालिटी अल हिलाल जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखे हुए लेटर्स का नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच सुभाष चंद्र बोस टू वर्ड स्ट्रगल यूग टॉय स्प्रिंगिंग टाइगर लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज़ पार्टीशन एंड अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड देखिए इसमें आई गेस बी होना चाहिए लेट्स स्प्रिंगिंग टाइगर इज़ द बुक जो कि बेस्ड है ऑन द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस इसको लिखा है यूक टॉय ने टूवर्ड स्ट्रगल जो है वो लिखी है जयप्रकाश नारायण जी ने इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी इंडिया डिवाइडेड लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है इंडिया विन फ्रीडम एंड अमेरिकन विटनेस जो थे टू द इंडियाज़ पार्टीशन इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ फिलिप्स Talbot. The Brook's स्प्रिंगिंग Tiger is the biography of Subhash Chandra Bose, written by Hugh Toy. Which of the following is correctly matched? भगत सिंह and Introduction to Dreamland ये सही है सुभाष चंद्र बोस ने बंदी जीवन लिखा था जी देखिए बंदी जीवन जो था वो लिखा था सचिंद्रनाथ सान्याल ने सचिंद्रनाथ सान्याल इंडियन स्ट्रगल तो हाँ ये दोनों ही इन्होंने लिखे थे ये भी और ये भी एंड भगवती चरण वोरा वाएम एंड थीस्ट तो वाएम एन थीस्ट जो है वो लिखा गया है भगत सिंह जी के द्वारा ना कि भगवती चरण वोहरा ठीक है भगवती चरण वोरा जो थे वो एच एस आर ए में बॉम्ब स्पेशलिस्ट थे एक तरीके से बोल सकते हैं और जो दुर्गा भाभी का जो आ, एक किरदार है हिस्ट्री में दुर्गा भाभी जिन्होंने भगत सिंह जी की बहुत हेल्प की थी वो भगवती चरण बोहरा जी की पत्नी थी ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट सचिनद सान्याल बंदी जीवन लाला राम शरण दास ड्रीम लैंड भगवती चरण वोहरा द फिलासफी ऑफ बॉम्ब देखिए फर्स्ट इसमें गलत है भगवत सिंह ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नहीं लिखी थी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने जो कि इंडियन रिवोल्यूशनरी थे ही फाउंडेड द इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन लंडन ये एक सोसाइटी थी दस एक्सेप्ट ऑप्शन ए सारे ऑप्शन करेक्ट हैं एनालिशन ऑफ कास्ट जो है वो किसकी बुक है तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड तो देखिए जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी ये इट इज़ रिटर्न बाय फ्रैंक मॉरिस ये सही है बाकी लाइफ ऑफ महात्मा ये लुई फिशर ने लिखी है ना कि दुर्गादास जी ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास जी ने लिखी है और इंडिया डिवाइडेड ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल ये सही है दादा भाई नेहरू जी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल टू इंडिया राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड फ्रैंक मॉरिस ने लिखी है आ, 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 इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नहीं ये लिखी है दुर्गा दास जी ने फ्रैंक मॉरिस ने लिखी है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी ठीक है तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर बुक लिखी है लेकिन ये वाली नहीं लिखी है फ्रॉम कर्जन टू नेहरू इज नॉट अ बुक ऑन सुभाष सॉरी ऑन बिलिटन बाय लोई फिशर जपत राय पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये तो दादा भाई नेहरू जी की है अनहेपी इंडिया लाला लाजपत राय की है रफीक जकारिया द मैन डिवाइडेड इंडिया सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडिया तो देखिए इसमें से सही हमें बताना है तो थर्ड वाला सही है आ, बाकी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया एंड सुभाष चंद्र बोस रफीक जकारिया रोट द मैन हु डिवाइडेड इंडिया सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है इंडियन स्ट्रगल गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया जी की है ठीक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन इट इज़ रिटन बाय राम मनोहर लोहिया जी हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नेहरू जी की है द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन ये लिखी है राम मनोहर लोहिया जी ने विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैश्ड विलियम वेडरबर्न ग्रेट डिवाइड जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन महात्मा गांधी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री तो देखिए राम मनोहर लोहिया जी वाली जो बुक है वो सही है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टिशन Uh, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की बुक बुक है ग्रेट डिवाइड जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है वो एच वी हर्डसन ने लिखी है ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन में ऑथर्स है लिस्ट टू में उनके किए हुए काम है बनकिम चंद्र चैटर्जी माइकल मधुसूदन दत्त रबींद्रनाथ टैगोर सरोजनी नायडू आनंद मठ जो है वो मास्टर पीस है बनकेम चंद्र चैटर्जी का कैप्टिव लेडी जो है ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त का है देन गोरा रबिन्द्रनाथ टैगोर का है और ब्रोकन uh, विंग जो है वो सरोजनी नायडू जी ने लिखी है इंग्लिश एडिशन ऑफ गीतांजलि वॉज पब्लिश इन विच ईयर तो ये पब्लिश हुआ था 1912 में ओरिजिनली ये बंगाली में लिखी गई थी उसके बाद 14 अगस्त 1910 को पब्लिश हुई थी फिर इंग्लिश वर्जन इसका पब्लिश किया गया था उन्नीस में पहली बार नवम्बर में ऑथर्स एंड द वर्क महात्मा गांधी राम मनोहर लोहिया राजेंद्र प्रसाद अबुल कलाम आजाद देखिए अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विन्स फ्रीडम हो गई राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड हो गई राम मनोहर लोहिया की व्हील ऑफ हिस्ट्री हो गई और महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज हो गई द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज वॉज महात्मा गांधी इंडिया विन्स फ्रीडम ये लिखी हुई है अब्दुल कलाम आज़ाद इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग बुक्स इट महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज टेराइल एंड प्रॉस्टिट्यूट ये हिंद स्वराज में बोला है इन्होंने ही टर्म ब्रिटिश पार्लियामेंट एज टेराइल एंड प्रॉस्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ हज मेथडोलॉजी ये बुक महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई थी जब वो इंडिया नहीं आए थे तब की बात है हु रोड द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है इसका पहला एडिशन वह पब्लिश हुआ था अहमदाबाद से फेबर नाइनटीन में उनकी मृत्यु के बाद इंडिया फॉर इंडियंस ये लिखी है सी आर दास ने इंडिया India फॉर इंडियंस सो so, चित्रंजन दास पॉपुलरली देशबंधु भी बोलते थे पांच नवंबर 1870 से 16 जून 1925 तक वो रहे ही वॉज एन इंडियन लीडिंग बंगाली पॉलिटिशियन ए प्रोमिनेट लॉयर एक्टिविस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट के एंड फाउंडर लीडर ऑफ स्वराज पार्टी ड्यूरिंग ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन इंडिया और उन्होंने बुक लिखी थी इंडिया फॉर इंडियंस लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है राजेंद्र प्रसाद दिलीप मुखर्जी एस एन बैनर्जी एंड महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई है इंडिया डिवाइडेड दिलीप मुखर्जी जी ने लिखी है टेररिस्ट एस एन बेनर्जी ने लिखी है नेशन इन मेकिंग एंड महात्मा गांधी जी की है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड डी पी मिश्रा लिविंग इन एरा ये करेक्टली मैचड है जवाहरलाल नेहरू इंडिया डिवाइडेड देखिए इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है अभी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया महात्मा सॉरी जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम एट मिड नहीं फ्रीडम एट मिड जो है वो लिखी है लैरी कोलिंस और डोमिनिक लैपियर ने ठीक है तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं वी हैव कवर्ड फिफ्टी क्वेश्चन इन दिस वीडियो नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और इसी तरीके से चार वीडियोज़ में मैगजीन्स और ऑथर्स मोस्ट प्रोबेबली हम कल तक ख़त्म कर देंगे ट देन uh, पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ जय हिंद जय